हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज वे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सरसों के साग की रेसिपी। इसमें मैंने सरसों के साथ मिक्स किया है मेथी, पालक, बथुआ और चने की भाजी। ये सारी सब्जियाँ मैंने अपने किचन गार्डन से ली हैं। यदि आप मेरे किचन गार्डन का टूर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आप चाहें तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ किचन गार्डन बनाने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको भी अपने घर में ही इतनी फ्रेश एंड ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिल सके। यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक टमाटर का पेस्ट, आधा कप ऑयल, एक बड़े प्याज का पेस्ट किया है मैंने यहाँ पर। इसी के साथ हमें लगेगा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन चम्मच भुना हुआ बेसन और दो चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। इसके साथ सूखे हुए मसाले मैंने यहाँ पर लिए हैं एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक लेना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड दो चम्मच धनिया पाउडर। और जब साग बनकर रेडी हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। आप अपने अकॉर्डिंग बटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में हम साग के ऊपर से तड़का लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच ऑयल और चार सूखी लाल मिर्च, और हरे धनिए से हम गार्निश करेंगे। अब सबसे पहले हम सारे पत्तों को अच्छे से तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ अपने ही गार्डन से सारी सब्जियाँ ली हैं तो डायरेक्ट पत्तियाँ ही तोड़ी है, पर यदि आप मार्केट से इसे खरीद रहे हैं तो पत्तों को तोड़ लीजिए और फिर हम इन्हें अच्छे से धोएंगे। आप दो से तीन बार पानी चेंज करके इन्हें धोइएगा। सबको अच्छे से धोने के बाद अब हम इसे बॉइलिंग वाटर में ऐड करेंगे। इन्हें सिर्फ दो मिनट के लिए सारे पत्तों को डालकर बॉइल करना है। उबलते हुए पानी में सारे पत्तों को डालना है और उसी के साथ ऐड करना है एक हरी मिर्च, तीन से चार लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक। इसे दो मिनट बॉईल करना है और फिर इसे ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक पेस्ट बनाना है। यहाँ मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ और इसे अब हम पीसेंगे। यदि पानी की कमी लगे तो आप इसी का थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसे बहुत पतला नहीं करना है, इसलिए आप थोड़ा छान कर और पानी हटा कर इन पत्तों को पीसेंगे। और देखिए, पीसने के बाद इस तरीके का एक पेस्ट बन जाएगा। मैंने सारे पत्तों को पीस लिया है और इसका पेस्ट एकदम रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज। इसे थोड़ा सौते करके हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से भूनना है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर प्याज एकदम ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, देन हल्दी पाउडर, देन धनिया पाउडर, उसके बाद नमक डालेंगे। इन सबको मिक्स करके हम इसमें डालेंगे फिर टमाटर का पेस्ट। और अब इस मसाले को हमें भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकलने लगे। जैसे ही मसाले से ऑयल निकलने लगेगा इसमें हमें डालना है भुना हुआ बेसन, और देखिए इसमें से ऑयल निकलने लगा है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी भुना हुआ बेसन। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हम एक से दो मिनट के लिए भुनेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पत्तों का पेस्ट बनाया था उसे। यहाँ हमने बेसन को ऐड किया है, इससे ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा साग को। आप चाहे तो बेसन की जगह मक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम काम करता है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी देता है इस साग को। और देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका कच्चापन दूर होगा, तब तक हमें इसे पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे पूरा अच्छी तरीके से पकने में। मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड करना है बटर, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और हम फिर से इसे ढक कर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से खोलते हुए पकाना है ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से दूर हो जाए। और यहाँ आपको एक सावधानी बरतनी है, जब भी आप ढक्कन हटाएं फ्लेम को एकदम लो कर दें, अदरवाइज उबलते हुए साग के छींटे आपके ऊपर उड़ सकते हैं। और ये देखिए साग एकदम रेडी है। लास्ट में इसमें बस अब साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाना है। मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑयल गरम किया है और उसमें लाल मिर्च फ्राई करके इसमें ऐड कर दी है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी तड़का लगा सकते हैं, दोनों ही इसमें स्वाद ऐड कर देता है। तड़का लगाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लें और ये एकदम रेडी है अब सर्व करने के लिए। इसे आप थोड़े और बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खाएं, बेसिकली इसे मक्की की रोटी के साथ खाया जाता है। यहाँ मैंने मक्की की रोटी के साथ इसे सर्व किया है, साथ ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाया है इसे और स्पाइसी बनाने के लिए। इस विंटर में आपने अभी तक इस साग को नहीं खाया है तो जल्दी से रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप मेरे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।